नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में एक ऐसी खबर आ रही है जिससे पूरी दुनिया बहुत ही ज़्यादा नज़र लगा के देख रही है और उससे रूस की स्ट्रेंथ और यूक्रेन के बारे में लोगों को पता लगता है। जो रूस के हथियार खरीदने वाले लोग हैं उनके लिए भी एक बड़ा सा संदेश उसमें छुपा हुआ है, जिसके लिए सभी दुनिया वाले टकटकी निगाहों से सोच रहे हैं कि क्या अब हमें रूस की चीज़ों को ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, उसकी क्या ताकत है क्या नहीं है। आइए दोस्तों समझते हैं कि पूरी न्यूज है क्या और इस पे आगे क्या परिणाम हो सकते हैं रूस के लिए। दोस्तों दरअसल क्या है कि रूस एक बहुत ही शक्तिशाली देश है जिसके पास बहुत आधुनिक हथियार हैं। उसमें उसके चाहे वो रक्षा के हथियार हों, मतलब कि डिफेंस वाले जो वेपन हैं वो, या अटैकिंग वेपन हो वो, दोनों ही तरह के हथियार उसके पास बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तो दोस्तों अभी क्या है कि देखा गया है कि यूक्रेन से 600 किलोमीटर दूर रूस के अंदर एक एयर बेस है, वहाँ पर एक इनका रूस का लड़ाकू विमान खड़ा हुआ था। और वो कोई ऐसा वैसा लड़ाकू विमान नहीं था, वो स्टेल्थ लड़ाकू विमान था जिसका नाम है SU-57। SU-57 बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली एक लड़ाकू विमान है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला है। यानी कि ये समझ लीजिए कि रूस का जो सबसे ज़्यादा एडवांस जो फाइटर जेट है ये उनमें से एक है। तो दोस्तों ये वहाँ पर बस ऐसे ही एयरबेस पर खड़ा किया हुआ था और इसकी रक्षा के लिए S-400 को तैनात किया हुआ था कि कोई इस पर अटैक करता है तो S-400 उसे बचा लेगा। S-400 डिफेंस के लिए है और फाइटर जेट अटैक के लिए होता है। तो दोस्तों ये दरअसल उस एयरबेस पे खड़ा था और यूक्रेन का एक ड्रोन जो आत्मघाती ड्रोन था वो गया और उसने इस अटैकिंग जो फाइटर जेट है उस पर अटैक कर दिया और उसको पूरा नष्ट कर दिया। दोस्तों इसकी सैटेलाइट इमेज भी जारी करी जा चुकी हैं यूक्रेन के द्वारा और रूस ने भी इसको कंफर्म कर दिया है कि SU-400 डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब दोस्तों ये समझ लीजिए कि इससे दो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। एक तो एक ड्रोन गया और रूस की सीमा के अंदर और जो कि 600 किलोमीटर दूर है और जाके रूस के अंदर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, एक तो ये हो गई। दूसरी दोस्तों वहाँ पर S-400 लगा हुआ था डिफेंस के लिए और S-400 उस ड्रोन को मार नहीं पाया, मतलब इसने जो बचाना चाहिए था वो बचा नहीं पाया और जिसे अटैक करना था वो अटैक नहीं कर पाया। दोस्तों ये इतनी दोनों ही एडवांस लेवल की चीज़ें हैं कि इनका और मतलब लोग इसको ख़रीद रहे हैं, यहाँ तक कि भारत ने भी इसको ख़रीदा है S-400 को। ये सोचिए दोस्तों वो अपना काम नहीं कर पाया, वो पकड़ नहीं पाया और रूस का इससे भारी भरकम नुकसान हो गया। रूस ने इसको वहाँ पर तैनात किया था लेकिन बताते हैं कि ये अटैक के लिए वहाँ पर तैनात नहीं किया गया था, ये वहाँ पर तैनात किया गया था और इसको बस ये दिखाना था कि देखिए हमारे पास स्टेल्थ फाइटर जेट है, यूक्रेन को उसके मन में डर पैदा करके रखना था कि इसका हम यूज कर सकते हैं। रूस ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला है SU-57 का, लेकिन अब दुनिया के पास भी एक संदेश चला गया कि क्या इसे हमें ख़रीदना भी चाहिए या नहीं चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो SU-57 फाइटर जेट है ये 2010 में पहली बार इसने अपनी उड़ान भरी थी और 2020 में ये रूस की सेना में शामिल हुआ है 2020 में। और दोस्तों इसका जो ऑर्डर रूस की सेना ने दिया है वो 57 फाइटर जेट का दिया है जिसमें इस 22 की डिलीवरी भी हो चुकी है, यानी कि रूस की सेना के पास ये प्रॉपर आ चुके हैं, ऑपरेशनल हैं। अब दोस्तों इसकी ये समझ लीजिए इंटरनेशनल लेवल पे कई देशों से इसकी काफ़ी डिमांड भी है, रूस को ऑर्डर भी मिल रहे हैं SU-57 के। लेकिन अब वो देश इस इंसिडेंस के बाद से एक उनके मन में भय ज़रूर आ गया है, एक सोच ज़रूर आ गई होगी कि क्या हमको ये फाइटर जेट ख़रीदना भी चाहिए या नहीं चाहिए। ये समझ लीजिए कि ये इतना एडवांस लेवल का जब फाइटर जेट है और ये डिस्ट्रॉय हो गया और ये अभी 6-7 जून को डिस्ट्रॉय हुआ है।
अब ये समझ लीजिए कि दोस्तों ये काफ़ी महंगा है और काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये सोचिए मिग को रिप्लेस करने वाला चीज़ें हैं, ये रूस की एक प्राइड की बात है। ये मतलब फिफ्थ जनरेशन के जो फाइटर जेट हैं उनका इस वक्त बोलबाला चल रहा है, ये वो फाइटर जेट है। अब रूस के पास इसके देखिए बचाव के लिए क्या करता है वो, अब अभी क्या है कि S-400 जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो पिछले कई महीनों में देखा गया है कि वो कई बार डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो रूस को अब अपनी मार्केटिंग फिर से करनी पड़ेगी अपने हथियारों की परफॉर्मेंस दिखाकर, क्योंकि बिना परफॉर्मेंस के अब लोगों के मन में डर आ गया है कि अब हम इसे खरीदें कि ना खरीदें, क्योंकि ये बहुत महंगे भी हैं। अब दोस्तों इस पे अब कुछ और डेवलपमेंट होगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आ जाऊंगा। धन्यवाद।